So what's up guys, welcome back to another video, and in today's video we'll talk about IMU CET August 2021 batch. So it is an important video, so watch till the end. Guys, आपने मेरा recent video देखा होगा जो IMU CET August 2021 cancellation पे था, तो उसमें मैंने पूरा DGS का circular explain किया था और बताया था कि कैसे उसमें लिखा हुआ कि IMU CET August 2021 batch cancel हो गया, मतलब कोई भी आपका IMU CET नहीं होने वाला है. बट अभी कुछ दिनों से कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे पास, कुछ मेल का स्क्रीन शॉट आ रहा था जो कि उनको IMU की तरफ से आया था. उन लोगों ने पूछा होगा कि IMU CET कैंसिल हुआ है या नहीं, तो लोग उसमें मेल भेजते, उसमें कुछ मंथ लिखा हुआ था कि इस मंथ में आपका IMU CET होगा, इस महीने में आपका एकेडमिक ब्रोशर 2021-2022 आ जाएगा. तो मैं इसको कंफर्म करने के लिए मैं आज सुबह उनको एक मेल डाला, उनका जो एकेडमिक सेल है उसका जो मेल आईडी है उस पर मैंने एक मेल डाला. वो आपको मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, वहां से जाके आप भी कंफर्म कर सकते हो. तो मैंने उनको मेल डाला रिगार्डिंग IMU CET अगस्त 2021 बैच. उसमें मैंने पूरा एक उनको पैराग्राफ लिख के भेजा कि मैं कैसे हम लोग को डीजे सर्कुलर मिला था, उसमें लिखा था कि कैंसिल होगा, बट अभी तक कोई IMU के वेबसाइट पर कन्फर्मेशन नहीं आया. तो उसका रिप्लाई में वो लोग मेरे को ऐसा भेजता है, कीप वॉचिंग IMU's वेबसाइट पीरियडिकली ड्यूरिंग जुलाई 2021 फॉर एकेडमिक ब्रोशर 2021-2022. तो अगर अभी आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एकेडमिक ब्रोशर मिलेगा, लेकिन वो 2020 और 21 का होगा. तो इसमें जो लिखा हुआ है जुलाई के महीने में, मतलब नेक्स्ट मंथ जो आने वाला मंथ है, उसमें वो लोग वेबसाइट पे अपडेट करेंगे जो आपका एकेडमिक ब्रोशर 2020-2021 है, वो उसको आप 2021-2022 करेंगे, नया ब्रोशर उस पर अपलोड करेंगे. और जो इनका लास्ट वाला सेंटेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है CET विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 टेंटेटिवली. मतलब आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब नेक्स्ट मंथ जुलाई, उसके नेक्स्ट अगस्त में या फिर लास्ट वीक में होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, अगर सारा सिचुएशन सही रहा तो. नहीं तो डेट आगे भी बढ़ सकता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गया कि IMU ने अपने मतलब वेबसाइट पर कुछ दिन बाद तो कंफर्म कर ही देगा कि CET होगा, बट अभी उन लोगों ने मेल के थ्रू एक चीज़ उन लोगों ने बोल दिया है कि CET होगा, मतलब होगा, वो लोग प्लानिंग में है CET लेने के. एडमिशन जो भी होगा आपका BSc BTech IMU कैंपस में या फिर स्पॉन्सरशिप में भी IMU CET जरूरी होता है, ये सब होगा. आपको कॉलेज की तरफ से भी, जैसे एंग्लो ईस्टर्न तोलानी है और भी जो जो स्पॉन्सरशिप वाले कॉलेज हैं, वहाँ से भी आपको मेल मिल जाएगा कि आपको IMU CET क्लियर करना है, या फिर अभी तक मिल भी गया होगा. तो इससे एक चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि IMU CET होने वाला है. और ये कोई फेक मेल नहीं है, उनका ऑफिशियल मेल है, IMU हेडक्वार्टर से आया था ये जो मेल, जिससे आया था मेरे को, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाके आप भी मेल डाल के कन्फर्म कर सकते हो. बाकी अभी तक जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला मैं आपको दे दिया, और एक चीज़ यहाँ से कन्फर्म हो गया कि IMU CET होगा अगर सारा सिचुएशन सही रहा तो. तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो.